Matan dun la birin professor metas kyote no kong university of ladakh se te ne wash asalar soma shkote no dangi sumjik manai ka shkote chamno isang allah ngata chambu jo sap e ka yukste pin kong university of ladakh se te ne we see tangpora in bin te ne kong tuzla degree college ka tukchik chwa jat ka तेरे कैंपस निस करगिल कैंपस शिक्तांग तारु कैंपस शिक्ले कैंपस कैंपस निस जाते मा ला सरका यूनिवर्सिटी सरका मा ngachan jik jate ten ko skot pin retrash kot pin losumi ka jukste ten ngatan sangma dambarang ko bana thukje chi jugos ten is ten na nge professor meta ma kong scientist juk jano kala खसपा जुक्सनो साइंस ना केमिस्ट्री ना को प्रोफेसर जुक्सनो देन जिक्सतने ना मन आयन स्कटर जने मीग जुक्सनो देन को चंडी गने स्कटो नो चंडी गने देन केमिस्ट्री प्रोफेसर जुक्सतेन बिन तो प्रोफेसर साहब तो आपका एजुकेशन पूरा चंडीगढ़ में हुआ, आपने वहाँ बीएससी के एमएससी के एम फिर फिलोसफी एम फिल के और पीएचडी के केमिस्ट्री में और आप उसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहे, एसोसिएट प्रोफेसर रहे और प्रोफेसर रहे। आप जो है दुनिया के टॉप साइंटिस्ट के जो 2% साइंटिस्ट की लिस्ट में आपका नाम आता है तो हम लद्दाख के लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं कि आप जैसे शख्स हमारे लद्दाख यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। और बहुत पब्लिकेशन है प्रोफेसर मेहता का, 400 से ऊपर पब्लिकेशन उनका है। वे रिसर्च जर्नल के एडिटर रहे, चीफ एडिटर रहे और बहुत सारे जो यूनिवर्सिटियों के बोर्ड ऑफ स्टडीज का मेंबर रहे, चेयरमैन रहे। प्रोफेसर मेहता अपने सुंदर शहर को जो चंडीगढ़ है जो सबसे जो सुंदर शहर माना जाता है और वहाँ से आप लद्दाख आए तो लद्दाख आने के लिए आपको लद्दाख आने पर आपको कोई पछतावा तो नहीं हो रहा प्रोफेसर साहब? सो पहले सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं दूरदर्शन का और आपका और सब लद्दाखी लोगों का कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहां का वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख जो कि 2019 में ही यूनिवर्सिटी बनी और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं यहां का वाइस चांसलर बना। तो मुझे जैसे सर ने अभी बताया कि मैं अभी तीन महीने से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हुआ है उससे पहले ही यहाँ ज्वाइन किया मैंने। तो चंडीगढ़ तो बहुत खूबसूरत शहर है, सबको पता है, तो पर यह है कि लद्दाख भी उतना ही खूबसूरत है, मैं ये कहूँगा उससे भी खूबसूरत है। यहाँ का जो ब्यूटी है, जो खूबसूरती है, वो तो और कहीं नहीं है सारे भारत में। तो मुझे यहाँ आके इतना शुरू में थोड़ा सा मुझे था कि मैं एक नई जगह जा रहा हूँ, लद्दाख में पहले कभी आया नहीं था मैं। तो बस पहली बार जब इंटरेक्शन हुई है, इंटरव्यू हुआ है, तभी आया था मैं जुलाई में। तो उसके बाद जब अपॉइंटमेंट हो गई तो मैं उसके बाद ज्वाइन किया। तो शुरू में थोड़ा लगता था कि वहां से जब आने से पहले के भी वहाँ कैसे चलेगा, वहाँ इतनी ठंड होती है, इतना टेम्परेचर नीचे चला जाता है। पर अब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि और इतने अच्छे लोग हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि सारे इतना कोऑपरेट करते हैं सारे और काम करने में इतना खुशी मिलती है, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये तो हम जानते हैं कि लद्दाख जो यूनिवर्सिटी के अभी कॉलेजों में, डिग्री कॉलेजों में स्टूडेंट का थोड़ा कमी महसूस हमें हो रहा है। एक तो कोविड की वजह से भी है,
और दूसरा जो है आप उनको अट्रैक्ट करने के लिए कोई आप क्या उदाव का उनको जो यहाँ लद्दाख में ही लद्दाख की यूनिवर्सिटी में ही उसको उनका पढ़ाए हो तो उनको तो उसके लिए आप क्या उपाय सोचेंगे जरा बताएं। तो जैसे आपने कहा कि मैं सारे कॉलेजेस में एक एक बार जा चुका हूँ और कारगिल कैंपस जो है उसमें तो कई चक्कर लग चुके हैं, तो यहाँ तो लेह में कैंपस में आना जाना लगा रहता है। तो मैंने ये देखा कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और दे वो पढ़ना चाहते हैं, और सिर्फ ये है कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अगर यहाँ पर अवेलेबल हो जाएं तो उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है कि अब मेरा जो आगे का प्लान है वो ये है कि इससे इनको डबल कर दिया जाए, जितने 17 है सो कम से कम 35-40 कोर्सेज कर दिए जाए। अच्छा, और एक क्लास में हाँ जी, तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे स्टूडेंट्स के लिए, तो वो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। जी जी। दूसरा, मैं बार बार ये कहता हूँ कि एक वर्ड कहते हैं परसेप्शन, एक हमें लगता है भी ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, जैसे हम पंजाब यूनिवर्सिटी को कहते हैं बहुत अच्छी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, तभी बच्चे वहाँ जाना चाहते हैं। तो हम यूनिवर्सिटी हमारी लद्दाख यूनिवर्सिटी को उसका ऐसा परसेप्शन बना दे, एक लेवल बना दे कि बच्चे कहें हमने यही पढ़ा। सही बात है। तो उसकी खर्चा भी कम होगा, खर्चा भी कम होगा उनको, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हल्का हो जाएगा, जितनी फैसिलिटीज यहाँ पर कर सके जल्दी से जल्दी। ठीक है सर। तो कैंपस अभी बने हुए हैं, पार्शली बने हुए हैं, तो और उनको पूरा कंस्ट्रक्शन करने का है। तो उसके साथ ही हम मैंने तो ये भी प्लान किया है कि जब तक हमारी कंस्ट्रक्शन नहीं होती तो आसपास के हम घरों को किराए पे ले सकते हैं, तो हम कोर्सेज वहां भी चला सकते हैं जो हमारे कैंपस के आसपास जो घर होते हैं। तो इस तरह ये प्लान है कि अगले सेशन से हम ऑलमोस्ट 35-40 कोर्सेज शुरू कर दें। अच्छा, ठीक है सर। तो बच्चे अभी ऑलरेडी हमारे पास कई रिक्वेस्ट आ रही है बच्चों की भी, ये वाला कोर्स ये वाला कोर्स। तो हमने अभी एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग की थी, तो उसमें बहुत सारे कोर्सेज जो कि चालू शुरू किए जा सकते हैं वो हमने ऑलरेडी प्लान कर लिए हैं, उनके कोर्सेज बना लिए हैं, उनके सारा कुछ तैयार है। तो ये है कि अभी हम अनाउंस कर देंगे अभी ये कोर्सेज हम शुरू कर रहे हैं। उसके अलावा भी हम ऐसे इनोवेटिव कोर्सेज शुरू करना चाहते हैं, जैसे फोरेंसिक साइंस का कोर्सेज है, एंथ्रोपोलॉजी है, बुद्धिस्ट स्टडीज है, ये भी नहीं है, हमारे लैंग्वेजेस जो खत्म होती जा रही है। तो आपने कहा कि गुजरात में भी यूनिवर्सिटी में लद्दाख के कल्चर एक सेंटर खोलने वाला है, ये बहुत खुशी की बात है। तो जैसे आपको आते ही देखे लद्दाख के कल्चर का जो प्रसार प्रचरण शुरू होने जा रहा है, तो ये तो बहुत बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे यहाँ एक मौका मिला। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम गुजरात यूनिवर्सिटी के इनविटेशन पे गुजरात गए, तो वहाँ पर MOU हुआ, तो भी कोऑपरेशन जो होगी, हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ेंगे, कुछ वहाँ वहाँ से यहाँ आएंगे, तो एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स होगा, एक सेमेस्टर यहाँ पढ़ लेंगे बाकी वहाँ पढ़ लेंगे, हमारे स्टूडेंट वहाँ जाएंगे। तो इसके अलावा ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज हुई ये हुआ कि वहाँ पर हम लद्दाख का एक कल्चर सेंटर बना। तो गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हमारे दो फ्रेंड हैं, तो उन्होंने एक हमें स्पेस दे दिया, एक बड़ा सा रूम दे दिया। तो उन्होंने कहा कि 25th जो 25 तारीख को दिसंबर है, उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे होता है, तो अगर उस दिन हम उसको इनॉग्रेट करें और साथ में कल्चर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें तो बहुत डिग्निटरीज आएंगे, और हमारे यहाँ से भी हम गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा मैं, वो भी चले, हमारे मेंबर पार्लियामेंट भी चले, तो एक बहुत अच्छा वहाँ शोकेस हो जाएगा। अच्छा सर। इसके अलावा हमने गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी उनसे भी एग्रीमेंट किया, उनसे भी MOU किया। अच्छा जी। वो भी इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास उनके पास साउथ एशियन कंट्रीज से ट्रेनिंग के लिए बहुत से लोग आते हैं फोरेंसिक में, तो वो कहते हैं कि हम भी ऐसा सेंटर यहाँ अगर बना लें तो उससे वो बहुत ज्यादा वो भी लाइक करेंगे और उनको भी हमारे कल्चर का पता लगेगा। तो हमने एज ए पहला स्टेप जो है उसमें गुजरात यूनिवर्सिटी में खोल रहे हैं,
ठीक है सर। तो हम वार फुटिंग पे काम कर रहे हैं, कुछ मटेरियल हमने यहाँ से भेज दिया, अच्छा तो बाकी मटेरियल जा रहा है। ठीक है सर, और मैडम एमओ है हमारी जो ठीक है, डायरेक्टर ले ठीक है कैंपस सर, की, वो ठीक है, एक्टिवली टीम को लीड कर रही हाँ हैं। जी ठीक है सर, तो डेली बेसिस पे हम मीटिंग करते हैं और अच्छा प्लान करते हैं। अभी हमारे स्टूडेंट्स को ठीक है सर, ट्रेनिंग भी हम ठीक दे रहे हैं, है, जो हम हाँ 15 स्टूडेंट लेके जाएंगे जी कल्चर प्रोग्राम के लिए। तो इस तरह ये एक बहुत अच्छी खुशी की बात है कि लद्दाख का कल्चर एक गुजरात में शोकेस होगा हाँ जी, और बहुत उससे ये लोगों को, तो बड़ा हाँ जी, बहुत अच्छा एक न्यूज है सर ब्रेक। हमारे सो लिए। इसके अलावा हमने MOUs किया IIT जम्मू से अच्छा और महाबुद्धि, यहाँ पर महाबुद्धि से किया, जी और इस तरह बहुत सारे MOUs और पाइपलाइन में जी हैं। जी तो एक DCAC डेनमार्क का जी जी इंस्टीट्यूट है, जी तो वो उनकी टीम यहाँ आई जी थी, जी तो उनके साथ भी हमारी कॉपरेशन हो रही है। वहाँ पर हम जी कुछ स्टूडेंट्स को भेजेंगे, अच्छा तो इस सर तरह काफ़ी जी काम हाँ, चल रहा है। तो अंत में प्रोफेसर साहब, हमारे आपका ज्यूरिडिक्शन एरिया बहुत बड़ा है, संस्कार नुब्रा जानथंग कहाँ कहाँ तो ऑल ले का है ही, तो उनके लिए आपका कोई मैसेज क्या है, ज़रा एक मैसेज आप देने की कृपा करें। हाँ जी सर ऐसे है, तो अब जैसे एक मैं एक दो चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे एक हमने प्लान किया है कि आउटरीच प्रोग्राम शुरू करें, जी जिससे हमारे टीचर हमारे स्टूडेंट्स स्कूलों में विज़िट करेंगे। अच्छा एक हम साइंस वैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा तो हाँ उसमें साइंस के एक्सपेरिमेंट्स हम ठीक फिट कर देंगे, है और वो वैन हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ रिमोट एरियाज में जाएगी, जहाँ पे ज़्यादातर पहुँचना मुश्किल होता है। तो वहाँ के बच्चों को एक ट्रेनिंग मिलेगी और उनको एक एक्सपोजर मिलेगा, और यूनिवर्सिटी के टीचर उनको बताएंगे कि कैसे एक्सपेरिमेंट किए कुछ जाते स्कूल हैं। आपने यूनिवर्सिटी ने एडॉप्ट भी किया है। हाँ जी, एक हमने स्कूल, अभी 2 स्कूल अडॉप्ट किए हैं। तो बाई चांस मैं कारगिल जब जा रहा था कैंपस, तो रास्ते में एक स्कूल है, बड़ा इनोवेटिव स्कूल, तो मिडिल स्कूल है, तो उसमें वो टीचर ने बड़े इनोवेटिव वे से टीचिंग करते हैं वो, तो उसमें हमने उस स्कूल को अडॉप्ट किया। तो हमने कहा भी जिस किसी तरह की हेल्प हम करना चाहें, ठीक है तो जिस तरह का भी आपको सर, हेल्प चाहिए हम ठीक है करेंगे। इसके अलावा मेरा एक और आइडिया था कि हम एक जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जी, लद्दाख के, अच्छा उनको इकट्ठा करके एक क्लस्टर बनाया जाए। अच्छा तो उसका नाम मैंने दिया लद्दाख इनोवेटिव क्लस्टर, लद्दाख नॉलेज इनोवेटिव क्लस्टर। तो हमने उनकी सारे जो डायरेक्टर्स हैं या VC हैं, उनके एक मीटिंग करने जा रहे हैं। तो उसका मेन रीजन ये है कि कई बार क्या होता है कि कई फैसिलिटीज़ किसी इंस्टीट्यूट में ज़्यादा हैं, कुछ फैसिलिटीज़ दूसरे इंस्टीट्यूट में ज़्यादा हैं, तो एक कॉपरेशन होगी, उनकी फैसिलिटी हम यूज़ कर सकें, हमारी फैसिलिटी वो यूज़ कर सकें, हमारे स्टूडेंट वहाँ जाके कुछ कर सकें, टीचर एक दूसरे से कोलैबोरेट करें। तो एक कोलैबोरेशन के लिए हाँ जी, एक बहुत बहुत अच्छा बढ़िया एक आइडिया ये हमने सोचा है, तो उसको लद्दाख नॉलेज इनोवेटिव क्लस्टर जी, कहने अच्छा का नाम दिया है। थैंक तो इस तरह के बड़ी सोच चल रही है, यू। और यूनिवर्सिटी में हमने सोलर पावर का प्लांट लगा दिया है, अच्छा क्योंकि पानी की थोड़ी समस्या थी, तो उसका भी हल निकाल रहे हैं। तो गांव वालों का बहुत ज़्यादा कॉपरेशन रहा अच्छा है। जी, तो हमने जो ले कैंपस के पास एक बहुत पुराना, 2000 साल पुराना मुझे बताया गया कि एक बुद्धा का स्टैचू है ऑन दी रॉक, तो उसको हमने डेकोरेट किया है। तो वो चंबा में है, अच्छा जी, तो उसको हमने LG साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो अच्छा आके सर, उसको इनॉग्रेट करें। अच्छा सर, आप सारे जो यहाँ के लीडिंग बुद्धिस्ट ठीक है लोग सर, हैं उनको भी ठीक बुलाएंगे। तो इस है, तरह काफ़ी कोशिश जी हो रही है। यहाँ स्टूडियो में आने के लिए वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।